सर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। आज हम करने वाले हैं हमारे मीटियोर 350 का रिव्यू। तीनों वेरिएंट है जो कि फायरवॉल, सुपरनोवा, स्टेलर, तीनों के बारे में आपको सारी स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज सब बताने वाले हो। वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए गाइस। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। मीटियोर स्टेलर के बारे में सारी आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे। ठीक है, मीटियोर के अंदर कितने वेरिएंट आते हैं, कितने मॉडल आते हैं, वो सब उसके बारे में बताएंगे। बेसिकली मीटियोर में तीन वेरिएंट आते हैं। एक आपका फायरवॉल सीरीज बेसिक वेरिएंट आता है, ठीक है, उसके मिड वेरिएंट में स्टेलर वेरिएंट आता है, देन उसके बाद सुपरनोवा वेरिएंट आता है। ओके, आज हम स्टेलर के बारे में बताते हैं। स्टेलर में डिफरेंस क्या है, बेसिक से स्टेलर में डिफरेंस क्या है। एक तो आपको जो डिकायल है वो आपको क्रोमिंग मिल जाते हैं जो रॉयल फील्ड की है, ठीक है, प्लस इसके अंदर जो आपका जो क्रोम आता है जो साइलेंसर के अंदर यूज किया वो क्रोम है। बेसिक इंजन सारा मैट ब्लैक आपका पाउडर कोटेड पे, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा क्रोम पार्ट ज्यादा यूज किया होगा बेसिक वाले से, उसमें थोड़ा ब्लैक का पोर्शन ज्यादा रहता है, ठीक है। फर्क एक तो ये हो गया, प्लस आपको इसमें बैकरेस मिल जाता है जो आपका पूरा बैक सपोर्ट के लिए ज्यादा अच्छा है और बड़ा भी है, कि पीछे पिलियन को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, बाकी इंजन आप स्पेसिफिकेशन की बात करें वही 350cc का इंजन रहता है, 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ है, ठीक है। 21 की बीएचपी प्रोड्यूस करता है, 27 न्यूटन मीटर टॉप के साथ। ओके, ठीक है जी, हाँ जी। अब इंटू अपने क्लस्टर पे आते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो डिजिटल प्लस एनालॉग वेरिएंट के साथ आता है। आपको जो दिख रहा है किलोमीटर की जो रेस आती है वो चीज मेंशन रहेगी, प्लस आपका जो किलोमीटर रन हुआ है वो डिजिटल है। ओके, अब मीटर में आपको क्या क्या शो करता है, आपके न्यूट्रल आते हैं, एबीएस आते हैं, इंजन मैन फंक्शनिंग का सेंसर आता है, इवन अगर बैटरी में कोई मैन फंक्शन या आपकी लो होती है तो वो भी आपको इंडिकेट करेगा, प्लस आपका जो फ्यूल रिजर्व है या फ्यूल लो का इंडिकेशन वो तो आता है। ओके ओके, ठीक है जी। उसके साथ ही आप ये छोटा सा मीटर देख रहे होंगे, रॉयल फील्ड का जो भी एक नई चीज आई है, लॉन्च हुई है, तो ये चीज काफी अच्छी भी है, यूजफुल भी है, कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आप जीपीएस कंपनी लगा के देती है। बाकी ट्यूबलेस टायर हो गए, अलॉय व्हील्स हो गए, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई पंचर की नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बने धड़ाके से चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है। बाकी मीटियोर सबसे बड़ी बाइक इसी है कि तो कंफर्टेबल बहुत है, क्रूजिंग बाइक में बहुत बेस्ट है, ठीक है। क्रूजर के अकॉर्डिंग का कंफर्ट है, जो इसका बॉडी स्टैंड है, जो मतलब बैठता है ना, ठीक है, जो बॉडी बैलेंस है वो काफी हैंस रहता है, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेसिकली ये सब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसके ऊपर वाला जो वेरिएंट है अब उसके ऊपर चलते हैं। कलर, हाँ, स्टेलर में चार आते हैं, ठीक है, तो कलर इसमें एक आपका ब्लू आता है, ब्लैक आता है, बाकी एक बेज और काफी कलर आते हैं, वो मैं आपको बाद में पर आपको अपने पास जो मेरे कैटलॉग पे शो कर दूंगा, ठीक है। बाकी हम सुपरनोवा सीरीज से चलते हैं। सुपरनोवा गाइस, वो हमारी सुपरनोवा खड़ी है, सुपरनोवा की मैं लुक देख रहा हूँ जो थोड़ी सी अलग से एनहांस होकर आ रही है इस लुक की, और वो हमको भैया बताएंगे मतलब क्या डिफरेंस आ रहे हैं दोनों में। फाइनली अब सुपरनोवा सीरीज के बारे में चाहते हैं, सुपरनोवा में कलर क्या आते हैं और डिफरेंस क्या बेसिकली स्टेलर पे और फायरबॉल के इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेलर का जैसे भी आपने देख लिया, अब सुपरनोवा में डिफरेंस क्या है बेसिकली, इसके आप जो सबसे आगे विंडशील्ड देखे होंगे, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कंपनी एंड से आती है, ठीक है, क्रोम पार्ट बेसिक और इसमें यूज किया होगा, उससे अगर आप देखोगे मिरर हो गए, बार एंड हो गया, लीवर हो गए, ये क्रोम के रहते हैं, ठीक है। अलॉय व्हील सबसे इसकी जो हाईलाइट है, अलॉय व्हील इसमें डायमंड कट आते हैं, ठीक है। अगर आप बेसिक वाले में देखोगे तो ये डायमंड शेड नहीं रहता है, ये अच्छी जो डिजाइन है वो चीज नहीं रहती, उसमें प्रॉपर मैट ब्लैक है, बट इसमें डायमंड कट आते हैं, ठीक है। ओके, प्लस इसके थोड़ी प्रीमियमनेस के लिए इसमें जो सीट कवर यूज की जाते हैं वो ब्राउन है। ओके, ब्राउन कलर, सेम कलर ही आपका जो है पीछे जो बैक स्पोर्ट जो बैकरेस कहेंगे सेम उसी कलर का रहता है, थोड़ा प्रीमियम टच भी देता है और काफी रिफाइंड भी रहता है, अच्छा भी लगता है। ओके, ठीक है, कलर में है फर्क है। बाकी इसमें आप अगर देखोगे सुपरनोवा कलर, कलर में चेंज किया है, ये ट्रिपल लेयर शेड में आता है, आपका जो बेसिक कलर है ब्लू ब्राउन प्लस आपको ग्रे की स्ट्रिपिंग मिलेगी प्लस ब्लैक का नीचे वो भी मिलेगा। ओके, तो ये थ्री शेड्स में आते हैं, इसलिए थोड़ा वेरिएंट को हम प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। कलर ऑप्शंस में इसके अंदर आपके टोटल चार कलर आते हैं, ठीक है। कलर में सबसे पहले सुपरनोवा ब्लू आता है, ठीक है, सुपरनोवा ब्राउन आता है, सुपरनोवा बेज आता है और सुपरनोवा ग्रे आता है, चार कलर आते हैं, ठीक है। बाकी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग चले ऑन रोड दिल्ली का जो रहेगा 241 का ऑन रोड प्राइस है, ठीक है। सुपरनोवा सीरीज का स्टेलर आप लेते हैं, स्टेलर आपकी ऑन रोड पड़ती है 230 की, ठीक है। और फायरबॉल जो बेसिक सीरीज है बेसिक आपको पड़ती है 223 की ऑन रोड दिल्ली प्राइस, ठीक है। एक बार सर आप हमको इसका जो एग्जॉस्ट नोट है एक बार वो दूर सुना दो हमको। एग्जॉस्ट नोट और एक बार इंस्ट्रूमेंट में चक्कर लगाते हैं। चलो भाई इंस्ट्रूमेंट देखे, अब इंस्ट्रूमेंट हमारा वही रॉयल एनफील्ड का लोगो प्लस जो इंडिकेशन आपके स्टेलर में आती है सेम इसके अंदर आती है। हाँ, स्टार्ट करने का तरीका अब आगे से चेंज हो गया, पहले किल स्विच जो था वो चेंज है, बट अब किल स्विच को स्टार्ट करने का तरीका। ओके, और गाइस यहाँ पे हमको हमारे लाइट के स्विच मिल जाते हैं, यहाँ हमारा हॉर्न हो गया, पर हॉर्न चेक कर लो, हॉर्न जो है इसका मतलब पहले जैसा ही है, काफी लाउड होना है ये भी। और यहाँ पे हमको क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं, और यहाँ पे भी हमको जो हमारा टैंक है वो भी हमको क्रोम में मिलता है, जो कि साइड से स्टैंडर्ड ही है दोनों बाइक्स में। अब हम चलते हैं हमारे फायरबॉल इसमें वेरिएंट में,
और मतलब ये जो दो वेरिएंट है ये मतलब हमारे टॉप के वेरिएंट आ जाते हैं, और क्या डिफरेंस आता है हमारे जो बेसिक वेरिएंट है उनके हिसाब से। ये हमारा आ जाता है सबसे बेसिक वेरिएंट जो कि हमारा मीटर 350 का, जो कि होने वाला हमारा फायरबॉल, और आप सभी लोग देख सकते हैं ये हमारा रेड कलर में आता है। इसमें हमको जो बीच में हमारे क्रोम इंसर्ट्स नहीं मिलते, हमको पूरी डार्क मिलती है, और जो आप देख सकते हो टायर पे हमको बिल्कुल रेड लाइनिंग मिलती है, और हमारा पूरा इंजन वगैरह सब डार्क मिलता है, बस यहाँ पे हमको मिलता है हमारे ग्लॉसी टाइप में। और ये जो हमारे लेग गार्ड है ये भैया ने हमारे कस्टमर के लिए लगवा रखे हैं। और बात करें तो भाई यहाँ पीछे हमारा जो है बैक रेस्ट जो है हमारा कंपनी से भी लग सकता है। अब गाइस बात कर ले फ्रंट से, तो भाई इसमें DRL मिलती है जो कि हमारी स्टैंडर्ड है, हमको तीनों वेरिएंट से मिलती है ये DRL देख लो। और यहाँ पे बात कर लेते तो भाई ये हमारा एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, गाइस देख लो पूरा रोटेट करके आता है, तीनों वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। अब गाइस एक बार अब इसकी की देख लो, तो गाइस ये हमारी की है, ये देख लो भाई हमारी स्टैंडर्ड की है जो कि हमारे तीनों वेरिएंट्स में आती है। बस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस। और डिस्क्रिप्शन में आपको यार शोरूम की जितने बारी इन्फॉर्मेशन है सब आपको नीचे मिल जाएगा, तो एक बार आप शोरूम में जरूर विजिट करना।